मैं विवेका गोयल रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए करते हैं कुछ बातें सनातन धर्म की। बजरी तीज भादो मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह कजली तीज सातुड़ी तीज के नाम से भी प्रचलित है। महिलाओं के लिए कजली तीज का बहुत महत्व है। आइए सुनते हैं कजली तीज की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातु कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सवा किलो तोल कर सातु बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और जोर जोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यह सवा किलो का सातु बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली, उसके पास सातु के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था, ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरे वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर हो। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ मैं विवेका गोयल आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।